नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास विषय लेकर आई हूँ। हम छोटी छोटी बातों पर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, होपलेस हो जाते हैं हर एक छोटी छोटी बात पे। अगर हमारा कोई काम नहीं हुआ, अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं हुए, तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हम होपलेस हो जाते हैं। या फिर किसी व्यक्ति ने हमें बोल दिया कि तुम्हारा दोस्त तुमसे पर्सनालिटी वाइज या खूबसूरती में ज़्यादा अच्छा है, तो भी हम होपलेस हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जब हम होपलेस होते हैं। होपलेस होने का मतलब क्या है? हम अपने अंदर से जो हमारा एक स्ट्रेंथ होती है, जो हमारे अंदर एक पावर होती है, वो खो देते हैं, जिसकी वजह से हम होपलेस हो जाते हैं। अब इस होपलेसनेस को अपने अंदर से कैसे निकाल सकते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, कभी भी अगर किसी भी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो उसमें अगर आप निराश होते हैं या परेशान होते हैं, तो आप जो हैं, अगर आप आस्था रखते हैं, सनातन धर्म पे आस्था रखते हैं या किसी भी धर्म पे आस्था रखते हैं, या आपके कोई गुरु हैं, उनका नाम लीजिए। और अगर आप नास्तिक हैं, अगर आप किसी भी भगवान पे या किसी भी धर्म पे या किसी भी गुरु में आस्था नहीं रखते हैं, तो केवल मन ही मन में मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि एक आसन पे बैठ करके और 15-20 मिनट आंखें बंद करके ही मेडिटेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ पे आप होपलेस हो जाते हैं, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है उस समय पे, तो केवल आंखें बंद करके धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लीजिए। आप अगर आस्तिक हैं, यानी भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो आपको बहुत जल्द विदिन, मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के होपलेस होते हैं, तो विदिन 10-20 सेकेंड्स में आपको इन सब चीज़ों से उसी टाइम पे छुटकारा मिल जाएगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, नया कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी वजह से आप आगे दोबारा से उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, उस काम को दोहरा सकते हैं और उसमें आप तरक्की भी पा सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ से संबंधित एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। आप सभी ने चींटियों की कहानी सुनी होगी, बहुत फेमस है, और जिन लोगों ने नहीं भी सुनी है, उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, चींटी कभी भी होपलेस नहीं होती। अगर वो ऊपर की दिशा में बढ़ती है, आपने देखा होगा चींटी जो होती है वो एक रेखा बना देती हैं, एक के पीछे एक चढ़ती हैं, मगर कभी कभी हम उनको गिरा भी देते हैं, हम उनसे खेलने भी लग जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं उनको मार भी देते हैं। तो कभी भी वो होपलेस नहीं होती। अगर वो गिर जाती है, वो दोबारा से चढ़ने का प्रयास करती है। और आपने देखा होगा चींटियां जो होती हैं, कहीं पे भी उनको अगर लगता है कुछ मीठा है या कुछ भी है, तो कितना ऊपर आगे चढ़ जाती हैं। तो उन्हीं छोटी छोटी चींटियों से, जो कि अगर हम देखें तो हमें बैठे बैठे नज़र भी नहीं आएंगी, इतनी छोटी होती हैं चींटियाँ, उन्हीं चींटियों से हमें ये सीख लेनी है कि अगर हमें कोई काम में सफलता नहीं मिलती है, तो हमें होपलेस नहीं होना है, हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस को रखते हुए हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न करनी है, ताकि हर कार्य में हम सफल हो पाएं और जीवन में ऊंचे शिखर पे हम पहुंच पाए। नमस्कार।